और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाता है। जैसे पैटर्न में क्या होता है कि पहले एक लाइन को प्रिंट करना है, फिर दो नंबर को प्रिंट करना है, फिर तीन नंबर को प्रिंट करना है, ऐसे टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे STL होता है, ऐसे जावा में कलेक्शन होता है, एंड सिमिलरली पाइथन में भी कलेक्शन होते हैं। अच्छे से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स में सारा कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही होने वाला है, वो समझ में नहीं आएगा अगर हमने यहाँ पर अच्छे से नहीं सीखा। हाय, मायसेल्फ फारिक हियर। सो यार, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अ कंप्लीट रोड मैप टू लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छे से कोड करना अच्छे से आ जाए, है ना। तो मैं उसका एक पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, सो दैट हम कोड करना अच्छे से सीख जाए और बाद में हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे से कर पाए, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल लैंग्वेज वाइज करूंगा, C++ में हमें क्या करना चाहिए, जावा में क्या करना चाहिए, पाइथन में क्या करना चाहिए, तीनों चीजें पैरेलल चलेंगी, तो जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें तुम अच्छे से कर पाओगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से कर सकते हो, सो ओवरऑल तुम्हारे को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, कैसे अपना फ्लो बनाना है, सो दैट हम कोड करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लें। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब ऑन द चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आई थिंक सबसे पहले जब कोड करते हैं तो हमें बेसिक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैसे डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा होता है, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, तीनों के लिए बिल्कुल कॉमन है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स बहुत अच्छे से सीखेंगे कि पीछे अगर मैंने लिखा है इंट आई इक्वल टू वन, तो आई के अंदर वन कैसे स्टोर हुआ है, C++ में कैसे हुआ है, जावा में कैसे हुआ है, पाइथन में कैसे हुआ है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। वंस दिस इज डन तो हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हो गया। अब हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, है ना। अगर तुम बात करोगे C++ में तो सी इन सी आउट कैसे चलता है, जावा में स्कैनर के थ्रू करते हैं, पाइथन में भी सिमिलरली कोई तरीका होता है, ऐसे हम बेसिकली इनपुट आउटपुट कैसे कर सकते हैं। तो दो ए एंड बी इनपुट लिया, उनका सम निकालना है, तो इनपुट भी होगा और तुम्हें आउटपुट करना भी आ जाएगा, है ना। जैसे जावा में स्कैनर में system.out.println करना होता है, तो ये सब बेसिक चीजें कि इनपुट और आउटपुट कैसे करना होता है, ये बहुत अच्छे से करेंगे हम अपनी वाली लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि सम निकालना है तो प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, माइनस करते हैं, ये तो बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इंटरेस्टिंग होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कि एंड का मतलब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कि ये इससे बड़ा है तो इसको कैसे चेक करते हैं प्रोग्रामिंग में। C++, जावा, पाइथन में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ऐसी असाइनमेंट ऑपरेटर्स तुमने पढ़ा होगा, प्लस इक्वल टू, राइट। ए प्लस इक्वल टू 20 से क्या होता है, ए के अंदर 20 ऐड हो जाता है, तो ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऐसी कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, तुम जोर कैसे करोगे नंबर्स का और कैसे करोगे, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यू लर्न C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी। इससे तुम्हें समझ में आ जाता है कि हमें अगर सॉल्व करनी होगी प्रॉब्लम, अगर हमें कुछ चीजों को कंपेयर करना है, मुझे कुछ चीजों को बार बार ऐड करना है, तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीकों से काम कर पाऊंगा, तो मैं ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से सीखूंगा। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अच्छे से कर लिया, हमने ऑपरेटर सीख लिया और हमने इनपुट आउटपुट करना अच्छे से सीख लिया। हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया है। Now the next thing will be, अब क्योंकि हमें comparison करना आ गया तो अब हम if else statements के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कि अगर if else होता ना कि अगर even है तो ये करो, odd है तो ये करो, ऐसे different types of वो होते हैं ना, कि हमें conditional statements का use करना है। तो if हो गया, else हो गया, else if हो गया, C++ में भी होता है, जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है, सब लैंग्वेज में होता है, उसके different different चीजें ट्राई करोगे, उसके अंदर बहुत अच्छे से करना है कि if के बाद दोबारा if आएगा तो क्या होगा जी, अच्छे से उससे तुम्हारा बेस बनता है, अच्छा मैं ऐसा कोड कर रहा हूं तो इसके पीछे ये हो रहा होता है, तो अच्छा खासा टाइम लगाना होता है, 5 से 6 दिन इफ एल्स अच्छे से समझने के लिए, है ना। फिर तुम क्या पढ़ते हो, नेक्स्ट थिंग यू लर्न इज लूप्स, है ना। लूप्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमें एक ही चीज को बार बार करना है, हमें 10 नंबर्स का सम लेना है, हमें 100 नंबर्स को प्रिंट करना है, तो जो चीजें बार बार करनी है उसके लिए हम लूप्स पढ़ते हैं। व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, ये दो लूप तो हर लैंग्वेज में होते हैं ना। सो डू व्हाइल लूप होता है, राइट। तो जो भी लैंग्वेज में उसमें हम लूप्स में करना सीखेंगे कि एक ही चीज को बार बार करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाता है। जैसे पैटर्न में क्या होता है कि पहले एक लाइन को प्रिंट करना है, फिर दो नंबर को प्रिंट करना है, फिर तीन नंबर को प्रिंट करना है, ऐसे टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं।
सो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो व्हाइल लूप, फॉर लूप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, मतलब शुरू में ना सिंटैक्स से डर लगता है ना, स्पेशली फॉर लूप के। तो फॉर लूप का बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फॉर लूप के अंदर तीन चीजें हैं, वो कैसे चलती हैं, डिफरेंट चीजें खुद से ट्राई करो, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, है ना। तो लूप्स में बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका बेस्ट तरीका मैंने बताया है, पैटर्न्स के क्वेश्चंस कर लो एंड उससे बहुत समझ में आ जाता है लूप्स कैसे चलते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू विल लर्न इज, दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है हर लैंग्वेज में, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। राइट, ब्रेक मतलब लूप को बीच में से ब्रेक करना होता है, कॉन्टिन्यू में क्या होता है कि उस नीचे वाले पार्ट को स्किप करके ऊपर से दोबारा रन कर लो। तो ये दोनों कैसे चलते हैं, इसके बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट क्वेश्चंस हो जाते हैं कि एक कंडीशन दे दी, बताओ आउटपुट क्या आएगा, कंटिन्यू लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके करने होते हैं। और ये दो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल प्रोग्रामिंग में, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होती है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू बहुत अच्छे से करोगे और सिस्टम में समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पीछे क्या हो रहा होता है। ठीक है ना, तुम्हारा लूप्स आ गया, तुम्हें इफ एल्स आ गया, तो तुम्हें कोड करना धीरे धीरे काफी अच्छा स्टार्ट कर चुके हो। Now what you will do is, you will learn functions. Functions क्या होता है? एक systematic कोड करना सिखा देता है। जैसे अभी तुम क्या करोगे, sum of two numbers निकालोगे, तो int a equal to 1, int b equal to 3, c out a plus b, ऐसे कर रहे होंगे, right? But बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे factorial निकालना है ना, तो तुम्हें बार बार मल्टीप्लाई करना है। अभी जैसे ncr निकालना होगा तुम्हें, कोई फंक्शन है ncr, तो उसमें factorial का फंक्शन यूज करोगे, राइट, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसी होता है ना। तो फैक्टोरियल एक फंक्शन आती है, वो तुम्हें फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा और तुम्हें एनसीआर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो तुम फंक्शंस बहुत अच्छे से सीखते हो कि ये तो हो गया एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट ओवरऑल कि फंक्शन में हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, एक इंट और एक फ्लोट पास करें तो क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग नाम की चीज होती है कि सेम नाम है फंक्शन का बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, तो हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, है ना। कि सम है, दो ना दो इनपुट आते हैं तो दो नंबर का सम निकालता है, तीन इनपुट आते हैं तो तीन नंबर का सम निकालता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज करते हैं। इसका बेस्ट तरीका क्या है फंक्शन यूज करने का, तुमने ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स करी होंगी उनको उठा के सबको फंक्शंस में कन्वर्ट कर, है ना। मान लो तुमने सिंपल इंटरेस्ट का करा होगा क्वेश्चन, तो सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन कॉल करो और उससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। पैटर्न के कुछ क्वेश्चन करे तो पैटर्न को फंक्शन से कॉल करो, राइट, दैट इज द वे टू लर्न फंक्शन। हर चीज से क्या होता है, प्रैक्टिस से आता है, जो भी पुराना काम करा है उस कोड को सबको फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा कोड भी सुंदर हो जाएगा और हमें फंक्शंस भी बहुत अच्छे से यूज करना आ जाएगा। C++, जावा, पाइथन तीनों में बिल्कुल कॉमन चीज होती है, सब में फंक्शंस होते हैं और अच्छे से हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है थोड़ा सा, एरेज। C++ जावा में एरेज होता है और पाइथन में लिस्ट होता है। देखो उससे पहले C++ जावा में स्पेशली तुम्हारे को क्या समझना होता है, C++ में पॉइंटर समझना होता है, मेमोरी एलोकेशन समझना होता है, अच्छा खासा टाइम लगाना होता है, बिकॉज वो समझ में ही नहीं आएगा एरेज कैसे बने हैं, स्ट्रिंग्स कैसे बनी है, जब तक हमने मेमोरी एलोकेशन अच्छे से नहीं समझा होगा। स्पेशली जावा में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझना होता है कि कैसे स्टोर हो रही होती है चीजें, तो C++ में पॉइंटर्स और मेमोरी एलोकेशन समझेंगे, जावा में भी डायनेमिक एलोकेशन समझेंगे, पाइथन में भी एक बेसिक चीजें समझेंगे कि डायनेमिक एलोकेशन का मतलब क्या है। उसके बाद जब हम समझ लेंगे कि हाँ ये हमारा अच्छे से हो गया, C++ में पॉइंटर्स में अच्छे से दिमाग लगाना, उसको स्किप मत करना, आगे बहुत काम आने वाला है ना। तो C++ में शायद यहाँ 20 दिन लगे, जावा पाइथन में तुम्हें 10 दिन में ही मेमोरी एलोकेशन अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम एरेज पे मूव करेंगे, एरेज इज लाइक स्टोरिंग कॉन्टिन्यूस डेटा टाइप, है ना। तो एरेज अच्छे से समझते हैं, एरेज के बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कि एरे को प्रिंट करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एरे निकालने हैं ना, रोटेट करना है एरे को, बेसिक क्वेश्चंस करो, बस कोड करना अच्छे से आ जाए, है ना। तो स्टोर करना आ गया, पीछे क्या चल रहा है एरे के पीछे वो अच्छे से समझ में आ गया, और हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए एरे पे कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना है जी, डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी, बहुत बेसिक लॉजिक और कोड अच्छे से करना आ जाए, है ना, एरे पे इटरेट अच्छे से करना आ जाए। पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं, एरे नहीं कहते, तो वही सेम बात कि पाइथन में भी सम ऑफ लिस्ट निकालना है, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स इन लिस्ट निकालना है, ऐसे ऐसे चीजें हमने कर ली, है ना। तो हमें बेसिक कोड करना आ गया, एरे के ऑप्टिमाइज वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं कि जिसमें तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देना है, वो नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मूव करा, जैसे एरे सीखा था, ऐसी स्ट्रिंग्स नाम की चीज होती है, C++ में भी, जावा में भी, पाइथन में भी। स्ट्रिंग्स जनरली क्या होता है कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह देते हैं, है ना, तो उस टाइप की चीजें स्टोर होती हैं। तो C++ में कैसे हो रहा होता है, जावा में कैसे हो रहा होता है, पाइथन में कैसे हो रहा होता है, इसमें जावा में ढंग से समझना होता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, उसका मतलब क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आता है।
तो उसको अच्छे से समझो कि पीछे जावा में कैसे स्टोर हो रहा होता है, पाइथन में कैसे स्टोर हो रहा होता है, है ना, व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो इस क्वेश्चन को ढंग से तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो जैसे एरे में करा था ऐसे स्ट्रिंग में भी डिफरेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें प्रिंट ऑल वॉवल्स इन द स्ट्रिंग करना है जी, है ना, रिवर्स स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करना है, पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स करेंगे तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी लैंग्वेज में, है ना, हम स्ट्रिंग भी लिख कर पा रहे हैं, एरे भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी डिफरेंट लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ में कैसे चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा में कैसे चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन में कैसे चलता है, ये तीनों लैंग्वेज में थोड़ा डिफर करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक डेटा कौन सा करना है, प्राइवेट कौन सा करना है, प्रोटेक्टेड कौन सा करना है, अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होता है, है ना। तो तुम्हें अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझना होगा। फिर आता है इनहेरिटेंस, है ना, कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप है उसका कैसे बनता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो ढंग से समझोगी, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से करोगे, है ना। तो ये हर लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट चलता है, तुम्हें ढंग से समझना होता है कि यार अगर मान लो मुझे सर्कल और सिलेंडर की क्लास बनानी है तो मैं जावा में कैसे बनाऊंगा, पाइथन में कैसे बनाऊंगा, C++ में कैसे बनाऊंगा। C++ में एक स्पेशल होता है फ्रेंड फंक्शन, वो जावा और पाइथन में नहीं होता, तो वो क्या मतलब है उस चीज का, है ना, वर्चुअल क्लास का क्या मतलब है C++ में। तो स्पेसिफिक टू लैंग्वेज थोड़ा डिफर करेगा, बट अच्छे से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स में सारा कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होने वाला है, वो समझ में नहीं आएगा अगर हमने यहाँ पर अच्छे से नहीं सीखा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अच्छे से एफर्ट दे देंगे और हम अच्छे से समझ लेंगे कि किस लैंग्वेज में कैसे चलता है, है ना। वंस दैट इज डन, उसके बाद एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की काम नाम की चीज होती है, वो बहुत काम की होती है, है ना, कि मान लो कोई एरर आया तो कैसे उसको हैंडल करा जाता है, है ना, एरे इंडेक्स ऑटो बाउंड आया तो उसको कैसे कैच करा जाता है, तो ट्राई कैच वगैरह सीखते हो, C++ में भी होता है, जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है ना, तो कैसे कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करा जाता है डिफरेंट लैंग्वेज में, वो अच्छे से सीखोगे। एंड देन द लास्ट पार्ट, ये भी अलग अलग लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट होता है बट बहुत काम का टूल होता है इन डेटा स्ट्रक्चर्स। C++ में उसको STL कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जैसे सॉर्ट करना है तो उसके कुछ फंक्शन दिए हुए हैं ना, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना है तो उसके पीछे ऑलरेडी किसी ने कोड लिखा हुआ है, तो वो क्या मतलब है, तो हम STL अच्छे से समझते हैं C++ में। जावा में हम कलेक्शंस अच्छे से समझते हैं, तो जैसे STL होता है ऐसे जावा में कलेक्शंस होता है, एंड सिमिलरली पाइथन में भी कलेक्शंस होते हैं, है ना, तो बेसिकली जो लिखे लिखाए कोड है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लैंग्वेज हम अच्छे से चूज कर पाएंगे ना। तो ओवरऑल अगर तुम देखो, सबसे पहले वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप सीखा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, इनपुट आउटपुट करना सीखा, फिर उसके बाद हमने क्या करा, कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर्स वगैरह सीखा, फिर इफ एल्स वगैरह सीखा, फिर लूप सीखा, फिर उसके बाद फंक्शन सीखे, है ना, फिर उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह कैसे करते हैं वो अच्छे से सीखा, फिर उसके बाद हमने एरेज C++ जावा में, लिस्ट पाइथन में वो अच्छे से सीखा, स्ट्रिंग सीखा, है ना, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखा, और लास्ट में हमने पर्टिकुलर टू लैंग्वेज C++ में STL, जावा में कलेक्शंस, पाइथन में भी कलेक्शंस, ये बहुत अच्छे से सीखा। दिस इज द फुल रोड मैप विच वी नीड टू कवर टू फॉर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इसी से कवर होगी, है ना। वंस दैट इज डन, है ना, मतलब ये अगर हमने चीज कर लिया फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में अच्छे से मूव कर पाएंगे, अब हम वहां पर जाके ऑप्टिमाइज कोड लिख पाएंगे। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने कोड करना सीखा है, बहुत सारा कोड करा है, बट ऑप्टिमाइज वे हम तब सीखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में जाएंगे, है ना। सो दिस वॉज द रोड मैप, अब इसको करना कहां से है, आई विल हाईली रिकमेंड, हमारे पास हर लैंग्वेज का गाइडेड पाथ है, बेसिक्स ऑफ C++ का गाइड पाथ है, बेसिक्स ऑफ जावा का गाइड पाथ है, बेसिक्स ऑफ पाइथन का गाइड पाथ है। जो मैंने बोला है वो उस गाइड पाथ में सब कुछ कवर्ड है, नोट्स हैं, MCQs हैं, कोडिंग क्वेश्चंस हैं, तीनों चीजों हैं हर गाइड पाथ में। तुम C++ में करना चाहते हो C++ में करो, जावा में करना चाहते हो जावा में करो, पाइथन में करना चाहते हो पाइथन में करो। जो मैंने सारी चीजें बोली हैं वो सारी कवर्ड है, तुम्हें बहुत मजा आएगा करने में, तुम्हारे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड में। अगर तुमने वो सर्टिफिकेट ले लिया तो आई टेक अ गारंटी, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो तुम्हारे बहुत अच्छे से हो गए हैं, नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड टू लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, है ना। सो करना कहां से है वो भी बता दिया, क्या क्या करना है वो अच्छे से बता दिया। आई होप दिस वुड हेल्प यू, आई होप यू वुड फॉलो दिस, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सबको सीखना है प्रोग्रामिंग, सबको मचानी है जिंदगी में, तो अच्छे से पढ़ो और मचा लो। ओके, चलो, थैंक यू।